एक्सरसाइज टू बी क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन फाइंड द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर पार्क विच इज फोर्टी वन होल टू पॉइंट थ्री मीटर लॉन्ग एंड एटीन होल थ्री पॉइंट मीटर ब्रॉड जो पार्क का शेप है वो रेक्टेंगल शेप है जिसमें लेंथ लेंथ इक्वल होती है ब्रेथ ब्रेथ इक्वल होती है तो रेक्टेंगल शेप में है तो रेक्टेंगुलर पार्क का एरिया फाइंड करना है जिसकी लेंथ दी हुई है लॉन्ग कितना है फोर्टी वन होल टू पॉइंट थ्री मीटर मीन्स इसकी लेंथ लेंथ है फोर्टी वन होल टू पॉइंट थ्री मीटर है और ब्रेथ ब्रॉड कितना है एटीन होल थ्री पॉइंट फाइव मीटर मीन्स ब्रेथ ब्रेथ ऑफ पार्क कितनी है एटीन होल थ्री पॉइंट फाइव मीटर है तो सॉल्व करेंगे इसको तो लेंथ ऑफ पार्क लेंथ ऑफ पार्क इक्वल फोर्टी वन होल टू पॉइंट थ्री मीटर एंड ब्रेथ ऑफ पार्क इसकी ब्रेथ कितनी है ब्रेथ ऑफ पार्क इक्वल एटीन होल थ्री पॉइंट फाइव मीटर तो लेंथ और ब्रेथ दोनों गिवेन है तो लेंथ और ब्रेथ लेंथ और ब्रेथ जब दी होती है तो इसका मतलब रेक्टेंगुलर शेप में है रेक्टेंगुलर के शेप में है तो इसका एरिया निकालना है तो एरिया पार्क एरिया ऑफ पार्क तो ये पार्क हमको देखना पड़ेगा किस शेप में है पार्क रेक्टेंगल शेप में है तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू क्या होता है लेंथ लेंथ ब्रेथ ब्रेथ क्या होता है तो एरिया पार्ट इक्वल टू हो जाएगा लेंथ इन ब्रेथ एल से लेंथ हो गया और बी से ब्रेथ तो लेंथ इंटू ब्रेथ दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर्टी वन होल टू अपॉइंट थ्री इंटू टेन होल थ्री अपॉइन फाइव ये दोनों मिक्स फ्रैक्शन में है इनको प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लें तो फोर्टी वन और थ्री का मल्टीप्लाई कर लें फोर्टी वन और थ्री का मल्टीप्लाई करेंगे थ्री वन जा थ्री थ्री फोर जा ट्वेल्व और न्यूमरेटर कितना 2 है टू है टू इसमें ऐड कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा वन ट्वेंटी फाइव वन ट्वेंटी फाइव हो गया तो वन ट्वेंटी फाइव न्यूमरेटर नुम्रे, बन गया अपॉन थ्री इन टू अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एट्टीन फाइव जा नाइन्टी नाइन्टी में थ्री प्लस करेंगे तो नाइन्टी थ्री अपॉन फाइव यहां देखें तो थ्री और नाइन्टी थ्री ये दोनों थ्री से कैंसिल हो जाएंगे कैंसिल कर लीजिए तो थ्री वन जा थ्री 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 जा नाइन थ्री वन जा थ्री थर्टी वन टाइम्स अब फाइव से फाइव और वन ट्वेंटी फाइव को फाइव से कैंसिल करें तो फाइव वन जा फाइव कैंसिल हो गया और इसको कैंसिल करें तो फाइव टू जा टेन फाइव फाइव जा ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव आ गया तो ये आपको कितना आ गया ट्वेंटी फाइव इंटू थर्टी वन क्योंकि डिनोमिनेटर में वन इंटू वन आ रहा है तो वन आ जाएगा तो उसको राइट करने की जरूरत नहीं है अब ट्वेंटी फाइव और थर्टी वन को मल्टीप्लाई कर लेते हैं ट्वेंटी फाइव और थर्टी वन को मल्टीप्लाई करते हैं तो वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ट्वेंटी फाइव आ जाएगा थ्री से थ्री फाइव जा फिफ्टीन की फाइव कैरी वन थ्री टू जा सिक्स वन सेवन फाइव फाइव टू सेवन सेवन कितना आ गया सेवन हंड्रेड सेवेंटी फाइव आ गया ये आ गया 775 इक्वल टू 775 अब इसकी यूनिट राइट करेंगे तो देखिए लेंथ और ब्रेथ किस में दी हुई थी मीटर में तो एरिया की यूनिट चाहे वो स्क्वायर एरिया ऑफ स्क्वायर हो या एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो एरिया ऑफ सर्कल हो किसी का एरिया हो वो स्क्वायर यूनिट होता है तो अगर मीटर है तो मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर तो ये क्या हो जाएगा 775 मीटर स्क्वायर इट इज द आंसर